तो हेलो दोस्तों, आ चुके हैं हम वापस बहुत दिनों बाद। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ये दो स्पीकर बॉक्स जेन्युइन, ये रखे हैं साइड में, अभी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि लगभग 1.5 महीना हो चुका है, 1.5 महीने से अपन ने इस चैनल पे काम नहीं किया। रीजन था, जगह नहीं मिल पा रही थी यार बनाने को, सेटअप वगैरह नहीं था। तो अभी फिलहाल मैं देख सकते हो कंप्लीट सेटअप अपना तैयार हो चुका है। बहुत जल्दी अपने ये सेटअप के ऊपर वीडियो आने वाली है अपने टेक्निकल हेमंत चैनल पे, जिसको देखना है टेक्निकल हेमंत सर्च करके देख लेना। तो चलिए बिना किसी बकवास के मैं आपको बता दूं कि अब रेगुलर वीडियो आपको मिलेगी। रेगुलर वीडियो देने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि अब सब काम प्रॉपर हो चुका है और डेली डेली वीडियो आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी। और कमेंट सेक्शन में बता देना आपको किस प्रकार की वीडियो देखनी है। आपको मोबाइल की अनबॉक्सिंग वगैरह चाहिए या यही स्पीकर बॉक्स देखनी है, एम्पलीफायर देखना है, जो भी देखना है कमेंट सेक्शन में बता देना। आप जो कहोगे वही हाजिर अगले दिन। तो चलिए स्पीकर बॉक्स के बारे में बता दें। जैसा कि दोस्तों देख सकते हो, ये अपने दो स्पीकर बॉक्स रखे हुए हैं और ये अपना कंप्लीट सेटअप कल वीडियो में दिखाऊंगा मैं, अभी फिलहाल में इसी पर आ जाते हैं। तो ये पन्नी मैंने इसके ऊपर कर दिया है। ये बॉक्स आपने अगली वीडियो में हमारे देख लिए होंगे, लेकिन अच्छे से नहीं देख पाए होंगे। इस बार हमने इसकी पन्नी वगैरह सबको छुटा दिया है ठुकरेल, और ये पहले नीचे रखे थे, तो अभी हमने कंप्लीट सेटअप कर लिया है। इसके जो एम्पलीफायर है वो ये रखा है। ओके, देख सकते हो एम्पलीफायर, दो दो एम्पलीफायर रखे हुए हैं, और इसका जो वायर गया है वो ये गया है। तो एम्पलीफायर वगैरह के ऊपर कल बात करेंगे, कमेंट सेक्शन में बता देना। इस एम्पलीफायर के बारे में भी बता दूंगा और आज इस बॉक्स के बारे में बताऊंगा और साउंड टेस्ट भी आपको दिखाऊंगा, तो बने रहना वीडियो में। तो यहाँ पे हमारे पास दो दो बॉक्स मिल जाए। ये है मिनी स्पीकर, देख सकते हो, आज मैं आपको अंदर तक का राज दिखा दूंगा। ये कितना छोटा सा इसमें लगा हुआ है, और इस साइड में भी ये है, देख सकते हो कितना छोटा सा है। और ये जो छोटी मोटी साउंड होती है, चिनन पिनन इस प्रकार के साउंड ये देते हैं, और साथ ही साथ आवाज़ देते हैं, कहते हैं तुरैया वगैरह आपने सुना होगा, तो कुछ उसी प्रकार का ये काम करते हैं। उसके बाद दो दो बड़े बड़े स्पीकर दिए गए हैं, और नीचे भी दो दो बड़े बड़े स्पीकर दिए गए हैं, जो कि 10 इंची के हैं। हमारा पूरा बॉक्स 10 इंची का फुल सेटअप है। यहाँ पे ठुकरेल का ब्रांडिंग दिया गया है, जो कि बॉक्स ठुकरेल के शायद अच्छे आते हैं, मैंने सुना है काफ़ी लोगों के मुंह से। और ये होल पास दिए गए हैं, ताकि जब इसमें भाई बेस बजता है ना, तो इसकी हवा यहाँ से पास होती रहे। यहाँ पे दिए गए हैं और होल अच्छे से दिखाई दे, इसलिए ये लगा दिया गया है स्टीकर के तौर पर, अच्छा लगे देखने में। इसको छुटा देंगे तो बेकार लगे हो, तो यहाँ से हवा पास होती है। तो चलिए अब इसकी साउंड टेस्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी प्राइस बता दूँ। उस दिन मैंने अच्छे से प्राइस नहीं बता पाई थी, तो मेरे को ये दोनों जोड़ी 3200 रुपये के पड़े थे। ओके, 3200 रुपये के दोनों जोड़ी, यानी कि दोनों स्पीकर मेरे को पड़ गए थे। और ये है अपना एम्पलीफायर, चलिए साउंड टेस्ट करा देते हैं। इस एम्पलीफायर के बारे में कल डिटेल में वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले ऑन, देख सकते हो इसमें एक फैन भी चलता है, जो कि एम्पलीफायर को कूलिंग करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑक्स मोड लगा लेते हैं, अब देखते हैं इसका साउंड टेस्ट। ओके, तो यहाँ पर चलिए अभी गाना चालू हो रहा है, उसके बाद स्पीकर बॉक्स आपको दिखाऊंगा इसका बेस कितना तेज है। ये अपना ट्राइपॉड वगैरह रखा हुआ है, तो गाना चालू हो चुका है। यहाँ से आप बेस वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, अब इसके बारे में कल ही डिटेल में बताऊंगा। ओनली अब साउंड टेस्ट देखो। देखो पन्नी हलेगी, अभी पन्नी हल रही है। तो फिलहाल मैं इसकी साउंड क्वालिटी इतनी बहुत है, यही देख लेना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट सेक्शन में बता देना। धन्यवाद।